देवर के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आपने फरमाया अलहम वो मौत, देवर मौत है। मौत का मतलब क्या, उस पर पर्दा करो, उससे सख्ती से पर्दा करो। क्यों? इसलिए कि करीबी रिश्ता है ना, तो करीबी रिश्तों से इंसान को खतरा ज्यादा होता है। तो ऐसे ही बहनोई भी ना महरम है, उसके सामने साली को आने की इजाजत नहीं है, बेमुहाबा होके बेतकल्लुफ होके गप्पे मारने की उस इजाजत नहीं है। उसको चाहिए कि उससे पर्दा करे, कोई बात करनी भी है तो जरा रिजर्व होके बात करे उससे। तो ये जो हमारे घरों में आजकल बेपर्दगी का माहौल है, ये बहुत बेहयाई की बात है, कुरान की सरी हुक्म के खिलाफ वर्जी है। तो इससे मैं अल्लाह से डरना चाहिए इस बारे में। मूछें कैंची से काटें या मशीन से, क्या मूछों को जीरो नंबर मशीन से काट सकते हैं या कैंची से काटना ही सुन्नत है? बिलाल सिद्दीकी या हिलाल, बिलाल लिखा हुआ है, हाँ बिलाल सिद्दीकी मेरठ से, मेरठ है, मेरठ है जनाब। मूछों को कैंची से भी काट सकते हैं, मशीन से भी जीरो नंबर वाली, क्योंकि कटना क्या, हदीस में कस का हुक्म है काटो, और एहफा का हुक्म है, एहफा कहते हैं काटने में मुबालगा करो, खूब अच्छी तरह काटो, तो जो जीरो नंबर मशीन है उससे ज्यादा अच्छी तरह कट जाती है। तो कैंची हो या मशीन हो एक ही बात है। हाँ ब्लेड से भी आप काट सकते हैं, लेकिन बेहतर नहीं है ब्लेड के जरिए उस तरह फेर देना, मूंढना जिसे कहा जाता है, तो वो भी जायज़ है, लेकिन अफजल ये है कि मशीन से या कैंची से मूछों को छोटा किया जाए।